सिस्टम, हम जो इंस्पायर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट आर्गुमेंट्स पढ़े थे जहां पे रिस्पायरेशन जो है उसका सिस्टम होता है, इसमें नोज हमने फारिंक्स लारिंक्स को डिस्कस किया था। आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रेकिया। अब क्या होता है, एयर फ्रॉम द लारिंक्स जो है एंटर्स होती है इसके अंदर जो है वो ट्रेकिया के अंदर जो है वो दाखिल होती है। ट्रेकिया को दूसरा नाम उसको विंड पाइप भी कहते हैं और जो है इसको ट्रेकिया का विंड पाइप भी जो है इसका नाम देता है। जब हम एयर जो है जब दाखिल होती है लारिंक्स से, लारिंक्स जाने के बाद जो है वो जाएगी आपकी ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया जो है वो विंड पाइप से कहा जाता है। अब जो है ये विंड पाइप जो है 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग ट्यूब्स होती है। ये ट्यूब्स जो है इसके अंदर सीरीज ऑफ सी शेप जो है कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। अगर आप बुक में देख लें तो ये आपकी जो है ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया के अंदर सीरीज ऑफ रिंग्स जो है कार्टिलेज रिंग्स जो है वो मौजूद होती है जो एयर को कोलैप्स होने से जो है वो बचाती है। अब जो लोअर एंड होगा जिसका नीचे हिस्सा होगा तो ये आपकी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड होगी इनटू टू ट्यूब जिसे ब्रांचिया कहते हैं। ट्रेकिया जो है आगे जाके आप देखेंगे यहाँ पे कि दो जो है ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रांचिया, से क्या बोलते हैं ब्रांचिया बोलते हैं। इस ब्रांची में डिवाइड होगी, अब ब्रांच क्या करेगी कि ईच गोस टू अ सेपरेट लंग्स, हर ब्रांच जो है वो अलग अलग लंग्स के अंदर जाएगी और एयर को उसके अंदर लेके जाएगी। अब लंग्स के अंदर क्या होगा, ये ब्रांचेस जो है अगेन डिवाइड होगी, रीडिवाइड होगी और फाइनली एक सीमाटो स्ट्रक्चर में पहुंचेगी जिसको ब्रांचियोल्स कहते हैं। ब्रांचियोल्स के अंदर पहुंच जाएगी, उसके बाद अब ब्रांचियोल्स जो है वो कंटिन्यूस टू डिवाइड होती जाएंगे लंग्स के अंदर और फाइनली जो है वो ओपन होगी इनटू मिलियंस ऑफ एयर सैक जिसे अल्वियोलाय कहते हैं। मिलियंस जो है एयर सैक उसको अल्वियोलाय कहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे तो ये मिलियंस की तादाद में मौजूद होंगे जिसे अल्वियोलाय कहते हैं। अब अल्वियोलाय जो है दीज आर द सिंगल लेयर लेयर्स जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक लेयर का स्ट्रक्चर होगा एंड इट इज सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरी। इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होती है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है विद द इन एयर एंड द ब्लड, ब्लड और एयर के दरमियान जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से एयर के अंदर शामिल हो जाती है और एयर से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर जो है दाखिल हो जाती है। अब जो हम पढ़ेंगे कि व्हाट द रोल ऑफ लंग्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एयर आर स्पंजी सेल्स प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। जब हम एयर लंग्स की बात करते हैं, लंग्स आपको पता है दो पेयर्स की तादाद में होते हैं, स्पंजी सेल्स होते हैं, स्पंज की तरह जो है ये बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स के मौजूद होते हैं जो कैविटी के अंदर होते हैं। अब जो ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस के अंदर लेफ्ट लंग्स जो होता है वो स्लाइटली स्मॉलर देन राइट लंग्स के जो है से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए छोटा होता है क्योंकि जो लेफ्ट लंग्स जो है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट कैविटी, हार्ट जो है मौजूद होने से जहां से कैविटी तो छोटी जाती है तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो भी थोड़ा छोटा जाता है। अब जो है आपका इस लंग्स जो हमारा होता है इस कवर विद द थिन मेम्ब्रेन, अब थिन मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो गैसेस का तबादला होता है। अब गैसेस का तबादला किस तरह होता है उसको हम टॉपिक ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो है उसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि एयर जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल होगी, लंग्स में दाखिल होने के बाद वहां पे लंग्स के अंदर मौजूद जो फाइनली एयर सैक्स है जिसे हम एवुलाय कहते हैं वो एवुलाय उसके अंदर भर जाएगी, वो एयर को ले लेगी। अब एवुलाय के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज जो है वो मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी वहां पे ब्लड मूव कर रहा होगा, जब ब्लड मूव कर रहा होगा तो एवुलाय की वाल से जो है वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी और उसके पूरे जिस्म तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी वेस्ट ऑफ गैसेस है, वेस्ट गैसेस हैं जो बनी थी वो क्या हो जाएगी वापस जो है एवुलाय के अंदर शामिल हो जाएगी। एवुलाय से जो है वो लंग्स में जाएंगे, लंग्स से फिर उसी रूट्स के थ्रू जिससे एयर दाखिल होगी हमारे जिस्म से जो है वो बाहर निकल जाएगी। अगर आप यहाँ पे गैस एक्सचेंज के अंदर देख लें तो पेज नंबर जो है हमारे 10 के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे आप देख लें कि एवुलाय का स्ट्रक्चर है, उस एवुलाय के स्ट्रक्चर के अंदर जो है ऑक्सीजन जो है
वो अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रही है वेंस से, वेंस के तुरंत अगर ब्लड मूव कर रहा है तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस्म से बाहर जाती है, उल्टा से बाहर निकल रही है। तो इस तरह गैसेज एक्सचेंज जो है वो हो रही है। आज हमारा जो टॉपिक था रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने जो है आज कम्प्लीट कर लिया है। हमने बताया रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स थे, नॉक्स, फार्मेक्स, लारेंक्स थे आपका, ट्रेकिया, लंग्स, ये है पूरा पैसेज हमने पढ़ा। उसके बाद हमने गैसेज एक्सचेंज को डिस्कस किया, गैसेज एक्सचेंज जो है उसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट जो हम जो है ये गैसेज जो है वो हमारे जिस्म के अंदर किस तरह दाखिल होती है, मूवमेंट ऑफ गैसेज किस तरह होती है, तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स।